पूजा के लिए लड़का लड़की यहाँ आके अपना स्थान ग्रहण करे। रागिनी बेटा तुम बैठो, अब तुम इस घर की लक्ष्मी हो, ये तुम्हारा ही घर है। अरे जमाई राजा, आपको इतनी चोटें कैसे आ गई? चोट? ओ, ये चोट? आंटी जी, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था। वैसे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत चीजों से अच्छा हो जाए तो वो गलत चीजें भी अच्छी होती हैं। इस एक्सीडेंट से मुझे ये पता चल गया कि किसके पीछे भागना चाहिए और किसके नहीं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। दिखने में तो तू अच्छी करके लग, चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए? क्यों शोर मचा रहे हो, चुपचाप से बैठे रहो। सर, ये मेरी वाइफ के बेल पेपर। मिथुन जी को बाल लाओ। यहाँ पे साइन करिए। ठीक है, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू सर। क्या किया तुमने? और क्या करती, राज पता करने के लिए मैंने रागिनी का पीछा किया। वो यहाँ तक आ गई थी, मैंने देखा, बस उस आदमी को देख नहीं पाई जिसके लिए वो यहाँ आई थी। ये लोग मुझे चोर समझ के पकड़ लिया। कितनी बार बोला मैं चोर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ताड़ाताड़ी करो। ये तो शुक्र है किसी को कुछ पता नहीं चला। जानती हो कितनी बदनामी होती। बहुत बोल लिया तुमने, चुपचाप कर चलो। वैसे भी सब लोग पूजा में इंतजार कर रहे होंगे। चलो छोड़ दो ना। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको हाँ हाँ, the deal is going to be finalized sir, nothing to be scared about। आप एक काम कीजिए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? आप एक मेल मेरे ऑफिस। क्या करना चाहते हो? मुझे समझते क्या तुम अपने आप? हाँ सुनिए, मैं गुप्ता जी, मैं एक्चुअली एक परेशान आत्मा है, मुझे भी परेशान कर रही है। I'll give you a call, bye bye, take care। हाँ बोलो। नहीं कर क्या रहे हो तुम्हें क्या लग रहा है? कल तक तो आने कुछ नहीं थी तुम्हारे लिए, आज क्या हो गया? इतना प्यार, इतना अपनापन, सडनली। You know, honestly, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लौट कर आओगे, और वो भी इन चीप हरकतों के साथ। तुम क्या ट्राई कर रहे हो? तुम मुझे पाने के लिए वापस से ये सब चीप ट्रिक अप्लाई कर रहे हो? व्हाई? तुम क्यों कर रहे हो सब ऐसा? क्यों कर रही हो रोशनी? Why you doing this to me? क्यों नहीं समझती मेरे प्यार को? कैसे बताऊं तुमको कि मैं तुम्हें जान से भरकर प्यार करता हूं? आई लव यू टू डेथ, डैम इट। हाँ, यह सब कुछ नाटक है, सब कुछ एक नाटक है। मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ रोशनी, तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, यही सुनना चाहती हूँ। यही सुनना चाहती हूँ तो बोल दे। और क्या चाहती हो तुम? भीख मांगो तुम्हारे प्यार की, दिल जले आशा की तरह खून बहाऊं, आंसू बहाऊं। सॉरी, ये तो नहीं होगा अब। अच्छा बाय द वे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यार रोशनी कि ये पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? बाय नहीं घूमती है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, और तुम सूरज नहीं हो, रोशनी। और अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हें पाने के लिए करता हूँ, वरना बहुत डेस्परेट लगोगी तुम। और क्या कहा था तुमने कि तुम अपना पास भुला करके आगे बढ़ना चाहती हो, अपनी पुरानी कहानी से काट करके खुद को आगे बढ़ना चाहती हो? तो बढ़ो ना, तुम यही चाहती थी ना, मैं भी यही करूँ, वही कर रहा हूँ। आन्या के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी गलती है क्या कि तुम्हारा मंगेतर मेरा साला निकल आया? हाउ इज इट माई ब्लडी फॉल्ट यार? बात बात में मुझे गाली, बात बात में मुझे।
आदत बना लिया क्या? छोड़ दो, अब से हाथ खुराना तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। रोशनी, मैं वही हूं, पुराना सिद्धार्थ खुराना। बहुत प्यार किया तुम्हें मैंने, जान से बढ़कर, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। 2 साल इंतजार करने के बाद बहुत भागा, लेकिन फिर भी तुमसे तेज नहीं भाग पाया। तुम फिर भी आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, और मैं वही रह गया पीछे, पुराना सिद्धार्थ खुराना, जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। कहां से होगा? आदत तो मैं तब खत्म हो गया था जब ये पता चला कि तुम नहीं हो 2 साल पहले, और 2 साल बाद बचा कुचा तुमने जिंदा होके खींच लिया। नथिंग लेफ्ट टू लूज। लेकिन तुम रोशनी, सही मायने में आगे तुम बढ़ी हो, लेकिन ये भूल गई तुम कि नई पैकेजिंग में पुराना सामान डाल दिया जाए तो वो सामान नया नहीं होता, वही पुराना सामान ही रहता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम खुद को रागिनी बुला लो तो तुम रागिनी नहीं बन जाओगे, तुम रोशनी रहोगे, वो रोशनी जैसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो दुनिया को धोखा दे सकती है, मुझे नहीं। थैंक यू आनिया, अगर तुमने मुझे रोका ना होता पता नहीं क्या करता मैं। आप अपने सच्चे प्यार से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं सर? क्योंकि मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, शायद यही फर्क है मुझ में और रोशनी में। और अब कहीं ना कहीं मैं थोड़ा हार गया हूं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं कितना भी कुछ भी कह लूं, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा आनिया कि मेरे और रोशनी के बीच में क्या क्या बीता है। कोई उम्मीद नहीं, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझू सर। आरव वो कोमा में है, ये भी नहीं जानती कि वो बचेगा भी या। लेकिन मेरे मन में ना अभी भी पूरी पूरी होप है, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप जानते हैं सर, ये होप मुझे आपसे मिली है। फिर आज आपको क्या हो गया सर? आप तो ऐसे नहीं थे, आप आज वैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे कुछ दिन पहले मैं कर रही थी? मैं थक गया हूँ अपने सर्कमस्टेंसेस का लड़ लड़के। I am giving up यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। यही तो प्रॉब्लम है सर, आप उनके पीछे भाग रहे हैं। आपने कभी उन्हें एक मौका देकर देखा है? सर जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे कि वो आपके पीछे भाग सके, उन्हें कैसे समझ में आएगा उन्हें क्या करना है? समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सर कि लेकिन तुम ये सब क्यों करोगे? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है सर, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। चलिए आपके लिए ना सही, लेकिन अपने दादा के लिए। मैं नहीं चाहती दादा की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उनसे प्यार ही नहीं करती। कल उन्हें पता चलेगा बहुत दुख होगा, इसलिए बेहतर है कि उन्हें अभी पता चले। देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे प्लान है ना, पहले दिन से रिजल्ट दिखाने शुरू भी कर दिए। देखने तो लगे, इसी बात पे खाई फाई तो बनता है ना। बनता है पार्टनर, बिल्कुल बनता है। जानू, मैं आनू, बेबी कहाँ हो तुम? I'm missing is, ओहो, मेरी आलू बुखारा, अरे मेरी लौकी, मेरी बंद गोभी, कहाँ गायब है? I miss you so much. क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोगों को काम नहीं है, तमाशा हो रहा है यहाँ पे? Just get back to your work. बेबी, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, let's go for lunch. Hey, listen. Yes. ये क्या है? ऑफिस आवर्स के दौरान ये सब क्या है? लंच वंच? तुम्हें कोई काम नहीं होगा, आनिया को बहुत काम है। आनिया, come inside. अरे? दादा? No, आनिया. रुको, आनिया. मैं हूं ना, मैं बात करता हूं. और जब दो बड़े बात करें ना तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, यू अंडरस्टैंड? साले साहब, whoops, सॉरी, मिस्टर सेन गुप्ता, हम दो प्यार करने वाले हैं, वी आर टू लव बर्ड्स। प्यार करने वाले दो छोटे छोटे पंछी।
और ऐसे प्यार करने वाले पंछियों को ना कभी जुदा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लव बर्ड्स को जुदा करेंगे तो माता रानी पाप लगाएंगे, ऐसा पाप कि आपकी जिंदगी कभी सच्चा प्यार आएगा नहीं। अगर सच्चा प्यार आएगा तो पीठ दिखा के चला जाएगा, ऐसा ही पाप मेरे सर पे था। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।